नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CGPSC व्यापम या इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या SAF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए आज छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर आधारित MCQs। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं। ऑप्शन है 38, 40, 43 या 45। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं 43। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में प्रमुखतया निवास करती है? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव। दोस्तों, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सरगुजा ज़िले में जो है निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ऑप्शन है बैगा, कोरबा, कमार या खैरबार। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति यह जो है साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? ऑप्शन है बैगा, कोरबा, कमार या खैरबार। दोस्तों, कोरबा जनजाति की जो नृत्य है वो भयोत्पादक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं? ऑप्शन है बैगा, भुंजिया, कमार या भतरा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में भतरा जनजाति की जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुरिया, हलबा, माड़िया या कमार। दोस्तों, मुरिया इस जनजाति में घोटुल पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? ऑप्शन है मुरिया, बैगा, हलबा, कोरबा। दोस्तों, हलबा जो है जनजाति, इनकी जो है सर्वाधिक जो है साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है? ऑप्शन है बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, धमतरी जिला या कोरिया जिला। दोस्तों, इसका सही आंसर है बस्तर जिला। बस्तर जिला जो है भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंझवार का निवास क्षेत्र है? ऑप्शन है धमतरी जिला, कबीरधाम जिला जिसे भी कवर्धा भी कहते हैं, बिलासपुर जिला या सरगुजा। दोस्तों, बिंझवार इनका निवास जो है क्षेत्र है बिलासपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, धुमकुरिया जो है किस जनजाति का युवा गृह है? ऑप्शन है उराव, मुरिया, भाटिया या कमार। दोस्तों, धुमकुरिया यह जो है उराव जनजाति का युवा गृह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा। दोस्तों, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? ऑप्शन है माड़िया, मुरिया, हलबा या पहाड़ी कोरबा। दोस्तों, माड़िया ये लोग जो है जनजाति जो है मृतक स्तंभ का जो है प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में
धनवार जनजाति जो है पाई जाती है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। दोस्तों इसका सही आंसर है दुर्ग। दुर्ग जिले में धनवार जो है जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेली व मोटियारी किस जनजाति के युवागृह के लड़के लड़की को कहते हैं? दोस्तों मुरिया, मुरिया जनजाति के युवागृह के लड़के लड़की को जो है चेली व मोटियारी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चूड़ामणि साहब, धर्मदास, चरणदास या घासीदास। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की जो है स्थापना जो है धर्मदास ने की है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे? ऑप्शन है धर्मदास, प्रकाश मुनि साहब, चूड़ामणि साहब या चरण दास। दोस्तों कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे चूड़ामणि साहब, सी इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चुड़ी विवाह, गवन विवाह, कैना विवाह या चढ़ विवाह। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह कहते हैं, क्या कहते हैं? गवन विवाह। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह कहते हैं। थैंक यू दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको जो है इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।